ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. साइकोलॉजिकली और मेंटली प्रिपरेशन होना है शादी के लिए, तो सबसे पहली बात इस बात की जरूरी है कि व्यू मैरिज विथ अ कॉग्निटिव प्रैक्टिकलिटी, हकीकी हकीकी अंदाज से इसको देखो, फिक्शनरी अंदाज से शादी के कॉन्सेप्ट को मत देखो, फिल्मी अंदाज से मत देखो, प्रैक्टिकल शादी है क्या, शादी का मतलब क्या है, क्या राइट्स है, सुनी सुनाई बातों पे मत जाओ. मेंटली तैयारी का मतलब यह होता है कि हमको प्रैक्टिकली और नेचुरली और नॉलेज बेस हमको अपना साइकोलॉजिकल तैयारी करना है. दूसरा, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल मैरिज. जाओ तुम्हारे फैमिली में किसी की उम्र 60-70 साल होके है ना, बहुत सारे लोगों की अभी भी वो लोग बहुत अच्छे से प्यार में है, जाके उनसे पूछो, चाचा चाची अंकल आंटी तुम लोग माशाल्लाह बहुत प्यार मोहब्बत से हैं, क्या इसका राज है, क्या इसका सीक्रेट है, बताओ. वो ले लो आप बिजनेस का टिप लेते हो ना, करियर गाइडेंस लेते हो ना, ये भी जाके ले लो, किताबों में नहीं मिलेगा. और प्रैक्टिकल 60-70 साल जिंदगी जीने के बाद वो जो बोलेंगे ना 2-3 बात, ये आपके लिए काफी है. ओके, सो उसको क्या है कि पॉजिटिव जो सक्सेसफुल जो है नॉलेज, ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द रिलेबल सोर्सेस. रिलेबल सोर्सेस से वैसे भी अकीदे का इल्म लेना चाहिए, फिक का इल्म लेना चाहिए. शादी क्या है, शादी के बाद की लाइफ प्रैक्टिकल क्या है, उसको एक राइट सोर्सेस से ले लो, गूगल से मत लो, गूगल से मत लो. और उसके बाद शादी से पहले आपको मालूम हो रहा है कि शादी के बाद में कुछ मोड़ आते हैं, कुछ हर्डल्स आते हैं, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आते हैं. अनएक्सपेक्टेड टर्न्स के लिए आपको प्रिपेयर होना है. फॉर एग्जांपल, मैं कितनी मिसालें दे सकता हूं ब्रदर्स आपको, शादी के बाद लड़की इसलिए तलाक मांग रही है कि वो शादी से पहले उसके लिए तैयार नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास स्टोरी टेलिंग अच्छा लगता है ना, कुछ स्टोरी बोलूंगा तो मजा आएगा ना. यस, स्टोरी टेलिंग सिर्फ बच्चों को नहीं है, इंजीनियरिंग में और मेडिकल में, एमबीबीएस और एमडी में भी स्टोरी टेलिंग ज्यादा इफेक्टिव है. हमेशा क्लासरूम में स्टोरी टेलिंग से काम लो. एक एंगेजमेंट हो गया, एंगेजमेंट के बाद आईफोन दे दिया बेचारा, नोकिया देना था, अरे बिगिनिंग छोटे से करना था ना, बड़ा शो ऑफ करने के लिए दे दिया. अब बीवी क्या सोची, अब तो मुझे शादी के बाद तो हाईएस्ट जो प्रो वाला मिलेगा, 15-16 जो भी आने वाला है आईफोन, वो मिलेगा मुझे. लड़का दे भी देता शायद, उसके पास पैसा था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मोड लाइफ में आया कोरोना का, अल्लाह अकबर, बिजनेस कोलैप्स हो गया, दुबई छोड़ के इंडिया आना पड़ा, बीमार पड़ गया शादी के बाद. जो ये बच्ची जो सोची थी ना कि आईफोन रहेगा, बोली भी थी शायद सहेलियों में, मेरा तो आईफोन की लाइफ है भाई, नहीं कर पाया, हाई से आईफोन भी शायद बेचना पड़ा, बस अब मुझे आईफोन चाहिए. वादा कब करे थे, शादी से पहले तुमने वादा करे थे. ये वेरी डेंजर लाइफ है, बिटवीन द एंगेजमेंट एंड जो ये है ना शादी का, बहुत खतरनाक जिंदगी है ये. यहां पर ज्यादा बात मत करो, बिल्कुल बात मत करो, बोलता हूं ज्यादा नहीं और कम नहीं, बिल्कुल बात मत करो एंगेजमेंट के बाद. वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, बात करने का नुकसान क्या है, बात नहीं करने का नुकसान क्या है. ओके, एंगेजमेंट जायज है क्या? आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, प्लीज इनको एक पेपर दो, इनको एक पेपर दो यार. ओके, आई विल कम टू एवरीथिंग, ओके वी विल डिस्कस, आई एम रेडी टू लर्न फ्रॉम एनीवन. तो क्या हो गया, क्या ये मैं स्टोरी बता रहा हूं, फैक्ट स्टोरी, हमारे पास नहीं आईफोन बोले थे, एक लाइफ स्टैंडर्ड ऐसा बताए थे, शादी के बाद ऐसा नहीं. वल्लाही वही, बिकॉज शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मैरिज,
उसको नहीं मालूम था कि शादी के बाद अप्स एंड डाउन आएंगे, हर्डल्स आएंगे। ये एक मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, ऐसे 10 स्टोरी मेरे माइंड में अभी प्रिक कर रहे हैं, बट आई टाइम कम होने से नहीं जा रहा हूं। शादी से पहले मुझे से बताया ना, शादी से पहले तुम अकेले थे, तुम्हारा खाना पीना उठना बैठना ड्रेसिंग सिर्फ अकेले क्यों सोचता, अच्छा है क्या मैं, अच्छा है क्या, ओके ऐसे देख लिए बाहर निकल गए। अभी शादी के बाद क्या बा अच्छे उनका बोलना चाहिए तुम्हें, नहीं बोले तो उनको नाराजी हो जाती है। अभी वो भी बिचारी सजेगी धजेगी मेकअप करेगी आके आपको बोलेगी, इससे पहले माँ को भी बोलती नहीं थी सजी तो मेकअप करती नहीं थी शायद माशाल्लाह, शादी के बाद शौहर के लिए मेकअप करना शुरू कर डाली। अभी शौहर बेवकूफ शौहर होते हैं कुछ, यार तारीफ करो यार, माशाल्लाह बोलो, बारकल्ला बोलो, अच्छी लग रही बोलो, यही तो उसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपसे। खलास आपने उसके इमोशंस को ब्रेक कर दिया। सी कभी ऐसा नहीं करना, वो चाहती है कि मेरा शौहर तुम्हारे लिए सज रही ना, वो दुनिया वालों के लिए नहीं सज रही ना, तुम्हारे लिए सज रही है और अप्रिसिएशन आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। माशाल्लाह आप रियली खूबसूरत दिख रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है। और बहुत सारे अकवाल मैं आपको बताऊंगा, इब्न अब्बास और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजते थे, सहाबियात सजते थे एक दूसरे अपने शौहरों के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो सेल्फ एंड अदर्स वेलबींग, दूसरों का ख्याल रखना अभी शादी से पहले हो जाता है, तो जो साइकोलॉजिकली जो प्रिपरेशन ये है शादी से पहले, नफसियाती तौर पर तैयारी, नफसियाती तौर पर शादी को समझना, शादी के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस को समझना, उसकी नजाकत को समझना, ये बहुत अहम है।